हेलो दोस्तों, गेट्स मैशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट 2PL एंड रिग्रेस 2PL। ये दोनों ही बेसिक 2PL जो हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, उसकी आगे एक्सटेंशन है। और जो हमने बेसिक 2PL डिस्कस किया, जो बेसिक टू फेज लॉकिंग हमने डिस्कस किया, उसके अंदर जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की लास्ट वीडियो में कि इररिकवरेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम है, डेडलॉक की प्रॉब्लम है एंड स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है, तो इनमें से इररिकवरेबिलिटी एंड कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए बेसिक 2PL के अंदर ही कुछ वेरिएशन हमने की है, कुछ और एडवांसमेंट की है और उनको हमने नाम दे दिया स्ट्रिक्ट 2PL एंड रिग्रेस 2PL। तो स्ट्रिक्ट 2PL एंड रिग्रेस 2PL बेसिक 2PL तो है ही, मतलब ये बेसिक 2PL की प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, वही ग्रोइंग फेज श्रिंकिंग फेज वो सेम है, लेकिन उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा भी रिस्ट्रिक्शन है। और उससे होगा क्या, उससे इररिकवरेबिलिटी की प्रॉब्लम रिमूव होगी, कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम रिमूव होगी। और वो कैसे होगी वो हम एग्जांपल्स यहां पे देखते हैं। तो स्ट्रिक्ट 2PL से अगर हम स्टार्ट करें, इट शुड सेटिस्फाई द बेसिक 2PL जैसा मैंने अभी बोला, एंड ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स शुड होल्ड अंटिल कमिट और अबॉर्ट। मतलब जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक है वो कब तक आपको होल्ड करके रखने हैं, या तो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाती जब तक, या फिर अगर वो अबॉर्ट हो जाती है। तो अगर कमिट हो गई उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे, और अगर अबॉर्ट होगी तब तो ऑब्वियसली वो रिलीज हो ही जाएंगे। तो यहां पे लेट्स से एक एग्जांपल से हम समझते हैं। T1 है, T2 दो ट्रांजेक्शन है। T1 वॉन्ट टू परफॉर्म रीड ए राइट ए। अब रीड ए राइट ए करने के लिए ऑब्वियसली कौन सा लॉक लेगी, एक्सक्लूसिव लॉक होने और हमने ग्रांट दे दिया क्योंकि ये फ्री है। अब लेट्स से T2 वांट टू परफॉर्म रीड ऑन ए, तो ये कौन सा लॉक लेना चाहेगी, शेयर्ड लॉक होने, लेकिन हम बोलेंगे अभी वेट कर क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको लॉक कब मिलेगा, जब एक्सक्लूसिव लॉक को ये अनलॉक करेगी, और जब श्रिंकिंग फेज स्टार्ट होगा तब ये अनलॉक कर देगी। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हम उसको इस पॉइंट पे अनलॉक कर दें, इसको अनलॉक करते ही इसको शेयर्ड लॉक मिल जाएगा और ये रीड कर लेगी ए की वैल्यू को। और ये कौन सी वैल्यू है जो इसने चेंज की, मतलब जो T1 ने चेंज किया उस चेंज को T2 ने रीड कर लिया, ऑब्वियसली ऐसे ही कर रहा है। अब लेट्स से ऐसी अगर हम बात करें T3 की, और T3 भी लेट्स से रीड ऑन ए करना चाहती है और शेयर्ड लॉक ऑन ए की डिमांड करती है, तो ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट पे हम अनलॉक कर रहे हैं एक्सक्लूसिव लॉक को, तो इसको भी शेयर्ड मिल जाएगा, इसको भी शेयर्ड मिल जाएगा, क्योंकि शेयर्ड तो मल्टीपल ग्रांट किए जा सकते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, रीड कर लिया इसकी वैल्यू को जो इसने चेंज किया। और लेट्स सपोज अगर ये फ्यूचर में जाके ये ट्रांजेक्शन फेल हो गई, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक, ऑटोमेटिकली हमें इसको और इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। यही क्या होता है, कास्केडिंग रोल बैक। तो इसको रोकने के लिए बेसिक 2PL में कुछ भी नहीं था, लेकिन स्ट्रिक्ट 2PL क्या कह रहा है, ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स मस्ट बी होल्ड अनटिल कमिट। मतलब आप एक्सक्लूसिव लॉक को कब रिलीज करो, जब आप कमिट कर जाओ, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम मेरी रिमूव हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, अगर आप उस पॉइंट को पकड़ लोगे तो आपको तुरंत ये जो दोनों जो आपके लॉकिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब लेट्स से अगर मैं इसको यहां पे अनलॉक करने की बजाय मैं बोलूं कि भैया तू पहले कमिट हो जा उसके बाद ही रिलीज कर, मतलब T1 T2 अगर ये रीड ए राइट ए करना चाहता है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए लिया, और लेट्स से अगर ये रीड ऑन ए करना चाहता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि तेरे को शेयर्ड लॉक कब मिलेगा, जब ये अनलॉक करेगा, किसको, एक्सक्लूसिव लॉक को, और ये अनलॉक कब करेगा, जब ये कमिट हो जाएगा। तो कमिट होने के बाद अगर मैं अनलॉक ऑफ ए कर रहा हूं और तब इसको अगर शेयर्ड लॉक ऑन ए मिल रहा है, तब ये रीड ए क्या कर रहा है, ये रीड ए हो रहा है अब डेटाबेस से, क्योंकि इसने कमिट होके सक्सेसफुली डेटा को अपडेट कर दिया। तो ये रीड कहां से कर रहा है, डेटाबेस से रीड कर रहा है, ना कि यहां से रीड कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेरी कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और अगर हम T3 T4 जितनी भी ले लो वो सारी कहां से रीड करेंगी, डेटाबेस से रीड करेंगी। तो यानी आपकी कास्केडिंग रोलबैक यहां पे रिमूव हो गई, तो आप कह सकते हो कि इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस कास्केड लेस। नेक्स्ट इररिकवरेबिलिटी की अगर हम बात करें, वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। T1 है, T2 है। अब T1 T2 वांट टू परफॉर्म, लेट्स से T1 ने रीड ए करना है, राइट ए करना है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए की डिमांड की। अब लेट्स से इसने रीड ऑन ए करना है, या कुछ भी, राइट ऑन ए करना है, रीड ऑन ए करना है, कुछ भी करना है, और इसने उसके बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने है। अब इसने लॉक कब रिलीज किया, लेट्स से कमिट होना था यहां पे,
कमिट होने से पहले यहां पे अनलॉक कर दिया। इसके अनलॉक करते ही इसको शेड मिल गया, शेड मिलते ही इसने रीड कर ली इसकी वैल्यू, जो इसने चेंज किया वो इसने रीड कर लिया, इसने उसके बाद उसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके कमिट होके चला गया। ऑब्वियसली जा सकता है, यस। अब यहां पे इसने कमिट होना था, अगर लेट्स से कमिट होने से एक मिली सेकेंड पहले भी, कमिट होने से एक मिली सेकेंड पहले भी अगर ये ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो क्या करेंगे, रोल बैक। क्या इसको रोल बैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कमिट हो चुकी है। इसको क्या बोलते हैं? इररिकवरेबल। तो वही पॉइंट हम यहां पे सेम कह रहे हैं कि भैया तू अनलॉक इसको कर ही मत। ये अनलॉक कब होगा? ये अनलॉक होगा कमिट होने के बाद। तो अगर ये कमिट होने के बाद अनलॉक होगा एक्सक्लूसिव लॉक, तो इसको ना तो शेयर मिल सकता ना इसको एक्सक्लूसिव मिल सकता, कब तक? जब तक ये कमिट नहीं हो जाती। और अगर कमिट होने के बाद इसको शेयर मिल रहा है या कमिट होने के बाद इसको एक्सक्लूसिव मिल रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज तब ये इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। तो ये हमेशा क्या बनेगा? रिकवरेबल शेड्यूल जो है वो बनेगा। तो एक्सक्लूसिव लॉक्स को आपको कब तक होल्ड करना है? जब तक कमिट नहीं आ जाता। तो कमिट के नीचे ही आपको अनलॉक करने हैं एक्सक्लूसिव लॉक। उससे होगा क्या? कोई भी अदर ट्रांजेक्शन रीड राइट कर ही नहीं पाएगी। अगर रीड राइट कर ही नहीं पाई सेम डेटा पे, ये पॉइंट ध्यान में रखना, सेम डेटा पे मैं बात कर रहा हूं, एक ही बात कर रहा हूं, तो एक ही। अगर वो बी या सी पे काम कर रही है तब कोई पंगा नहीं है, तब वो करता रहेगी। लेकिन अगर सेम वेरिएबल पे अगर हम बात करें तब वो ना रीड कर सकती ना राइट कर सकती, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स आर ऑलवेज रिकवरेबल एज वेल एज कास्केड लेस। तो ये दोनों चीजें जो है हमने यहां पे प्रोड्यूस की, एक तो ये कास्केड लेस होगा हमेशा, यस, और दूसरा ये हमेशा क्या होगा? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल भी होगा। तो ये दोनों एडवांटेजेस जो है हमें अब यहां पे मिल रही है, जो बेसिक 2PL में नहीं थी। और अगर हम बात करें रिग्रेस 2PL की, तो वो भी सेम ही है। इसमें छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया कि ऑल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव, ये और भी रिस्ट्रिक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों ही रिलीज नहीं करने। इस केस में तो फिर भी था कि अगर मेरे पास शेयर्ड लॉक है तो मैं शेयर्ड लॉक को रिलीज कर सकता हूं, लेकिन ये कहता शेयर्ड भी नहीं करना, एक्सक्लूसिव भी नहीं करना। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिल रही, एडवांटेजेस इसमें भी सेम ही है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टर है। मतलब अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी में, तो रिग्रेस जो है वो और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, और अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट की तो स्ट्रिक्ट जो है वो उसके ऊपर आता है, और अगर हम बात करें बेसिक 2PL की तो बेसिक 2PL जो है वो उससे भी बाहर आता है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि जो जितना रिस्ट्रिक्ट होगा उतना ही वो अंदर जो है वो जाता जाएगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट 2PL एंड रिग्रेस 2PL। तो ये दोनों एडवांटेजेस याद रखना। लेकिन जो डेडलॉक और स्टार्वेशन की प्रॉब्लम थी बेसिक 2PL में, वो इसमें एज इट इज है, क्योंकि ये डेडलॉक से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहा। अगर हम बात करें सेम वही एग्जांपल लें, लेट्स से T1 है T2, और वही सेम एग्जांपल जो हमने पहले भी, मैंने दो बार आपको बता चुका हूं कि अगर लेट्स से T1 T2 वांट टू परफॉर्म, और T1 ने लेट्स से एक्सक्लूसिव लॉक ऑन A मांगा, हमने दे दिया, फ्री है। एक्सक्लूसिव लॉक ऑन B मांगा, हमने दे दिया। याद रखना एक्सक्लूसिव लॉक ऑन B हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए जो है वो रिलीज होना चाहिए कमिट होने के बाद। बी तो खाली पड़ा है, तो बी तो हम दे ही देंगे। अब इसने बोला कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी चाहिए, वो हम नहीं देंगे, बोलेंगे वेट कर। ये कह रहा है कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए, हम बोलेंगे वेट कर। वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो यानी ये इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के रिसोर्स की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेडलॉक स्टेट। और वही सेम एग्जांपल यहां पे स्टार्वेशन में है कि अगर हम बात करें T1 T2 T3 और लेट्स से कि अगर इसने शेयर्ड लॉक ऑन ए मांगा, हमने दे दिया। एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए मांगा, ऑब्वियसली हम बोलेंगे वेट कर, कब तक? जब तक ये शेयर्ड लॉक रिलीज नहीं होता। तो लेट्स से इसके कमिट होने के बाद ये शेयर्ड लॉक होना था, लेकिन उससे पहले ही T3 ने भी डिमांड कर दी शेयर्ड लॉक ऑन ए। तो यानी ये क्या करेगा, ये वेट ही करता रहेगा T1 किसकी, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए की डिमांड करता रहेगा। तो एक्सक्लूसिव लॉक ऑन इसको बहुत टाइम बाद मिलेगा। दिस इज अ फाइनाइट वेटिंग, दिस इज अ इनफाइनाइट वेटिंग, तो दैट इज कॉल्ड अ डेडलॉक स्टार्वेशन। तो डेडलॉक अभी भी है, स्टार्वेशन अभी भी है, लेकिन कास्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हमने अचीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट 2PL एंड रिग्रेस 2PL। लास्ट में एक और पॉइंट आपको बता दूं, एक कंजर्वेटिव 2PL भी है यहां पे, कंजर्वेटिव 2PL। कंजर्वेटिव 2PL को आप, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो
पॉसिबल नहीं है। कंजर्वेटिव 2PL का क्या कहना है कि ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होती है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने से पहले ही वो सारे लॉक ले ले, मतलब ए पे, बी पे, सी पे, जो भी लॉक उसको चाहिए वो पहले ही ले ले, स्टार्ट होने से पहले ही ले ले, तो उससे क्या होगा, T2 को एक भी लॉक नहीं मिलेगा, T3 को एक भी लॉक नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली डेडलॉक की प्रॉब्लम यहां पे रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसने A और B पे पहले ही लॉक ले लेना है। कंजर्वेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने A और B पे पहले ही लॉक ले लेना है, B और A ये वेट करता रहेगा, मतलब T1 को पहले ही सारे रिसोर्स दे दो ताकि T1 को एक भी रिसोर्स ना मिल पाए। तो ये बेसिक सी कहानी है कंजर्वेटिव 2PL की। लेकिन प्रैक्टिकली आप कैसे पहले ही पता कर सकते हो, या तो कोई प्रेडिक्शन मॉडल अगर हम यूज करें, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है प्रेडिक्शंस है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी इसको लॉक चाहिए, तब तो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बेसिक DBMS की बात करें तो उसमें कोई भी ऐसा फंडा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं पर थ्योरी में पूछ ले, कंजर्वेटिव 2PL भी डेडलॉक की प्रॉब्लम को भी रिमूव कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि एक को सारे रिसोर्स दे दो, दूसरे को एक भी मत दो, ताकि वो पहला दूसरे की वेट ही ना करे, दूसरे को हम बिल्कुल खाली रखेंगे। दैट इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव 2PL। तो मेन ये दो पॉइंट्स याद रखना, स्ट्रिक्ट 2PL एंड रिग्रेस 2PL, इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये दो हमने डिस्कस की, और इनके बीच में क्या रिलेशन है। थैंक यू।